चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, सीधा रुख करेंगे गोंडा का। हमारे संवाददाता रतीश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, बाकी सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रखे हैं किस तरह से प्रचार चल रहा है। आप बताएं रतीश, गोंडा में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या आखिरी बात, कौन सा आखिरी मुद्दा है जो जनता तक प्रत्याशी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर गोंडा की बात की जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दे ही हावी हैं। यहाँ पर जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, सीवर लाइन की समस्या सबसे ज्यादा है। और सुबह से तमाम प्रत्याशियों से और तमाम लोगों से हमने जनता से भी बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दों पर हावी हैं। जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं, जो देश के स्तर के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर ये हावी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी रमा कश्यप हमारे साथ हैं गोंडा सदर की, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले भी बता रही थी क्या क्षेत्रीय मुद्दों के सामने जो और प्रादेशिक मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं यहाँ पे आके? प्रदेश के और विधानसभा के जिले के सारे जो है इन्होंने जो वादे किए थे सारे धराशाही हो गए हैं। इन्होंने नारेबाजी बहुत ज़्यादा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, स्वच्छता अभियान का, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता होगा इन्हीं के सरकार में जब ये केंद्र में थे और उत्तर प्रदेश में थे, सबसे ज़्यादा गंदा अगर शहर देखा गया है तो गोंडा जनपद आया है। और ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, अगर स्वच्छता अभियान अगर कुछ आपको ठीक लग रहा है इस विधानसभा में तो ये जनता की देन है, ना कि ये सरकार की देन है। सरकार ने तो सिर्फ गंदगी फैलाई है, चाहे हिंदू मुसलमान की बात को लेकर के दोनों को बेवकूफ बनाया है, आपस में भिड़ाया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कह रही हैं कि यहाँ पर स्वच्छता की बात जो की जाती है वो बेमानी साबित होती है। आकर जो प्रदेश के मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हें अलग अलग करके देखने की बात यहाँ प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन कितने उसमें सफल हो पाएंगे ये बड़ा सवाल है। 11 जिलों से 11 रिपोर्टर हमारे लगातार बने हुए हैं, रणभूमि लाइव पूरे दिन आज जारी रहने वाला है 6 बजे तक।